Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I'm going to start idioms and phrases for UPSC, Punjab PCS, SSC, various central plus state government jobs, part number 4. We already discussed part 1, part 2 and part 3. So let's start with the part 4. The first is corporal punishment. Look at the picture. Ek father hai apne bete ko physically assault kar raha hai. कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है बॉडीली पनिशमेंट, इसमें फिजिकली असॉल्ट किया जाए. कॉर्पोरल पनिशमेंट इज अ बैंड इन स्कूल. स्कूल में पहले टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स को मारा जाता था एज अ पनिशमेंट, बट अब बैन कर दिया गया हुआ है. तो कॉर्पोरल पनिशमेंट मीन्स बॉडीली पनिशमेंट, और सेंटेंस मैंने बनाया कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैंड इन स्कूल. सेकेंड है काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच. हम अगर काफ़ी बार प्रॉफिट को पहले एंटिसिपेट कर लेते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या कोई डील करने से पहले, टू एंटिसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंड. काउंट चिकन बिफोर दे आर हैच. हैच का मतलब उनको मारना. टू एंटिसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंड. डोंट ड्रीम ऑफ प्रॉफिट नाउ एज इट इज फर्टाइल टू काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच. ओके, तो ये सेंटेंस था. नेक्स्ट है क्रॉस वन माइंड. क्रॉस वन माइंड का मतलब है टू अकर टू वन सेल्फ, किसी के साथ बीतना और किसी के साथ वो चीज़ का होना, टू हैपन विद समवन. आई वॉज रेस्टिंग वेन सडनली अ न्यू आइडिया क्रॉस माई माइंड. ओके, क्रॉस वन माइंड मीन्स टू अकर टू वन सेल्फ. नेक्स्ट है करी फेवर. करी फेवर का मतलब होता है टू विन फेवर बाय फ्लैटरी. फ्लैटरी मीन्स चापलूसी करके. To win favor by flattery, this is the meaning of curry favor. Many developing countries curry favor with America. काफ़ी developing countries है जो America को favor कर रही है flattery के साथ, to win favor, उसका favor जीतने की कोशिश कर रही है. Next है curtain lecture. Look at the picture. एक wife अपने husband को डांट रही है. A private scolding by wife to her husband. एक वाइफ के द्वारा हस्बैंड को प्राइवेटली स्कोल्ड करना, दिस इज द मीनिंग ऑफ अ कर्टेन लेक्चर. डोंट टेल मी दैट योर फादर हैज़ नेवर गॉट एनी कर्टेन लेक्चर इन हिज लाइफ. ओके, तो इसमें वाइफ के द्वारा स्कोल्ड किया जा रहा है प्राइवेटली टू हर हस्बैंड, दिस इज द मीनिंग ऑफ कर्टेन लेक्चर. तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया है डोंट टेल मी दैट योर फादर हैज़ नेवर गॉट एनी कर्टेन लेक्चर इन हिज लाइफ. नेक्स्ट है कट बोथ एंड्स. इट मीन्स टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ द इशू. दो साइड्स में आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं और हम दोनों को सपोर्ट करना. महेश ऑलवेज कट बोथ एंड्स एंड हेंस ही हैड नीदर फ्रेंड्स नोर फो. ना तो उसका कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, बिकॉज कोई भी आर्ग्यूमेंट में वो दोनों साइड सपोर्ट करता है. कट बोथ एंड्स. नेक्स्ट है कट द गॉर्डियन नॉट. गॉर्डियन नॉट को कट करना मीन्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना. टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम कट द गॉर्डियन नॉट. द नेशनल लीडर्स कट द गॉर्डियन नॉट बाय मेकिंग इंडिया अ सेकुलर कंट्री. यू नो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इसमें हर एक रिलीजन को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो कट द गॉर्डियन मीन्स नॉट मीन्स टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट है कट थ्रॉट. कट थ्रॉट का मतलब होता है टफ. वी फेस कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन इन एवरी फील्ड. हमें हर फील्ड में टफ कॉम्पिटिशन ही फेस करना पड़ेगा. नेक्स्ट है डैम स्क्विब. इट मीन्स कंप्लीट फेलियर थ्रू दो अर्लियर थॉट टू बी एक्साइटिंग. अगर हम बहुत किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड है बट उसमें हमें कंप्लीटली फेलियर मिल रहा है. The performance of Team India turned out to be a damn squib. हम क्रिकेट मैच या कोई भी मैच के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे बट बाद में उसमें कम्प्लीटली फेलियर देखने को मिला. डांस अटेंडेंस अपॉन. डांस अटेंडेंस अपॉन मीन्स टू बी इन सर्वाइल एटीट्यूड ऑल द टाइम. हमेशा सर्वाइल एटीट्यूड में रहना, दूसरों की हेल्प करना. द मदर इन लॉ वॉन्टेड द लेडी टू बी डांस अटेंडेंस अपॉन हर. ओके, एक मदर इन लॉ है वो हमेशा ऐसी बहू चाहती है जो हमेशा सर्वाइल एटीट्यूड में हमेशा रहे. दिस इज द मीनिंग ऑफ डांस अटेंडेंस अपॉन. नेक्स्ट है डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स मीन्स
अनएक्सपेक्टेड विनर, कोई ऐसा विनर जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाए, एंड अननोन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कम आउट टू अ डार्क हॉर्स आफ्टर द इलेक्शन। एक इलेक्शन हुए, उसमें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ था और वो इलेक्शन जीत गया। नेक्स्ट है डे ऑफ रैकनिंग। डे ऑफ रैकनिंग मीन्स अ टाइम व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन पास्ट मिस्टेक और मिसडीड कैच अप विद वन। दिस इज द डे ऑफ रैकनिंग, अ टाइम व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ वन पास्ट मिस्टेक्स और मिसडीड कैच अप विद वन। यू हैव बीन मैनिपुलेटिंग द अकाउंट फॉर लॉन्ग टाइम एंड नाउ डेज ऑफ रैकनिंग हैव कम। ओके, नेक्स्ट है डेड ब्रॉक। यहाँ पर आप पिक्चर देखिए, एक पर्सन है जो बिल्कुल कंगाल दिख रहा है, पैनीलेस, डेड ब्रॉक। ड्यू टू रिसेशन और वी कैन से ड्यू टू लॉकडाउन ही हैज बिकम अ डेड ब्रॉक। वो डेड ब्रॉक बन गया, वो पैनीलेस, उसके पास कोई भी मनी नहीं है। नेक्स्ट है डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा होना। इट इज ऑब्स्टिनेटली रेजिस्टेंट टू चेंज। ही इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ देवानंद, जो हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, डाई हार्ड मीन्स ऑब्स्टिनेटली रेजिस्टेंट टू चेंज। ही इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ देवानंद। नेक्स्ट इज डिग वन ऑन ग्रेव, अपनी कब्र खुद खोदना। बहुत आसान है ये। टू डू समथिंग विच कॉज यू हार्म, हम कोई ऐसा काम करें जिसे हमें ही हार्म हो। ओके, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना या डिग वन ऑन ग्रेव मीन्स टू डू समथिंग विच कॉज हार्म। यू आर डिगिंग योर ऑन ग्रेव बाय राइटिंग योर पासवर्ड इन योर डायरी। ओके, हम डायरी में पासवर्ड लिख के हम खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं, ये है इसका सेंटेंस। नेक्स्ट है डॉग्स लाइफ। अगर आप देखोगे यहाँ पर पिक्चर, तो ये डॉग बहुत ही मायूस है। डॉग्स लाइफ का मतलब होता है वेरी मिजरेबल लाइफ। ओके, बहुत ही गरीबी वाली लाइफ। ड्यू टू अनचेक इन्फ्लेशन द पुअर आर लिविंग अ डॉग लाइफ। नेक्स्ट है डबल डीलिंग। डबल डीलिंग का मतलब होता है किसी को बेवकूफ बनाना और उसके साथ बुरा करना, डिसीट करना, डिसीटफुल एक्शन। डबल डीलिंग मीन्स डिसीटफुल एक्शन, धोखा देना। द डबल डीलिंग ऑफ द लॉयर वॉज एक्सपोज बाय स्टिंग ऑपरेशन। ओके, जो लॉयर के द्वारा डिसीटफुल एक्शन है उसको स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा एक्सपोज किया गया। नेक्स्ट है डबल एजेड स्वॉर्ड। डबल एजेड स्वॉर्ड का मतलब होता है एक ऐसा काम जिससे हमें भी हार्म हो और दूसरों को भी हार्म हो। एन एक्ट दैट विल हार्म वन सेल्फ एज वेल एज द अदर्स। ओके, जिसे हमें भी हार्म हो और दूसरे को भी नुकसान हो। करप्शन इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड फॉर द पब्लिक एज वेल एज द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट, यहाँ पर आप देखिए एक पर्सन के पास ना कोई कपड़े प्रॉपरली हैं, वो ठंड में इस तरह ही ना कोई घर है ना खाना है। इट मीन्स लैकिंग फंड्स, रिसोर्सेस और प्रॉस्पेक्ट। डाउन एंड आउट, लैकिंग फंड, रिसोर्सेस और प्रॉस्पेक्ट। ही वॉज डाउन एंड आउट व्हेन हिज फैक्ट्री वॉज बर्न टू द ग्राउंड। उसकी फैक्ट्री जल के राख हो गई, तो उसके पास फंड्स की कमी आ गई, रिसोर्सेस की, हर चीज़ की कमी आ गई। नेक्स्ट है डाउन इन द माउथ। यहाँ पर भी एक डॉग है जो मायूस है। डाउन इन द माउथ मीन्स फिल्ड विद मेलनकॉली एंड डेस्पोंडेंसी, उदासी, मायूसी। शी वॉज डाउन इन द माउथ वेन शी सॉ हर हजबेंड डेड बॉडी। क्लियर, तो ये था पार्ट नंबर 4। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट है कॉर्पोरल पनिशमेंट, इट मीन्स बॉडीली पनिशमेंट। नेक्स्ट है काउंट चिकन बिफोर दे आर हैच, टू एंटीसिपेट, अनुमान लगाना, गेस करना। टू एंटीसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंड, क्रॉस वन माइंड टू अकर टू वन सेल्फ। नेक्स्ट है करी फेवर, इट मीन्स टू विन फेवर बाय फ्लैटरी। कर्टेन लेक्चर, अ प्राइवेट स्कॉल्डिंग बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। कट बोथ एंड, इट मीन्स टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ द इशू। कट द गार्डियन नॉट टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। कट थ्रॉट टफ। डैम्प स्क्विब, कंप्लीट फेलियर्स थ्रू अर्लियर थॉट टू बी एक्साइटिंग। डांस अटेंडेंस अपॉन, इट मीन्स टू बी इन सर्वाइल एटीट्यूड ऑन ऑल द टाइम।
डार्क हॉर्स मीन अनएक्सपेक्टेड विनर, डेज ऑफ रेकनिंग अ टाइम व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ वन पास मिस्टेक और मिसडीड कैच अप विद वन, डेड ब्रॉक पेनीलेस, डाई हार्ड ऑब्स्टिनेटली रेजिस्टेंट टू चेंज, डिग वन ऑन ग्रेव टू डू समथिंग विच कॉज यू हार्म, डॉग्स लाइफ वेरी मिजरेबल लाइफ, डबल डीलिंग डिसीटफुल एक्शन, डबल एजेड स्पोर्ट एन एक्ट दैट विल हार्म वन सेल्फ एज वेल एज अदर, डाउन एंड आउट इट मीन्स लैकिंग फंड रिसोर्सिस एंड प्रोस्पेक्ट, एंड द लास्ट इज डाउन इन द माउथ फिल्ड विद द मेलनकोली एंड डेस्पोंडेंसी. ओके, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4. So this is for today in this video. Thank you and take care.